जय हिंद। एक 5 साल का बच्चा जो एक नर्सरी क्लास में पढ़ता था, रोज अपने स्कूल जाना और पेरेंट्स ने, दादा दादी ने उसे स्कूल बस तक छोड़ना और फिर स्कूल में वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेता और तकरीबन 3 बजे घर में वापस आ जाता। पर एक दिन वो स्कूल गया पर स्कूल से घर वापस नहीं आया। स्कूल के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि वो स्कूल तो आया था पर बीच में जो 10 मिनट की फुटेज गायब थी उसी में बच्चा भी गायब हो गया। प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चा तो स्कूल आया ही नहीं। शुरुआत में प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चा तो स्कूल आया ही नहीं था। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन तेज हुई तो पता चला कि प्रिंसिपल झूठ बोल रही थी। उसके बाद प्रिंसिपल का जो सच निकल कर सामने आया उसे सुनकर और देखकर सभी हैरान रह गए और सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में आपको बताएंगे पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, इसके साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना महत्वपूर्ण कमेंट देना कतई ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे केस को समझने के लिए चलना होगा बिहार, बिहार के पटना दीघा थाना क्षेत्र, जहां पर टिनी टोट नाम का एक स्कूल मौजूद है और वहां पर ही 5 साल का यह बच्चा पढ़ा करता था नर्सरी क्लास में। अब शैलेश राय नाम का शख्स जो कि नसीरगंज में एक स्टील फैक्ट्री में काम करता, रोज वो अपने ऑफिस जाता और पत्नी हालचाल जानने के लिए रोज उसे फोन किया करती। पर 16 मई के दिन जब वो अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए गया तो उसे पत्नी का फोन आया पर फोन पर उसका हालचाल नहीं पूछा गया बल्कि ये बताया गया कि बच्चा आज घर वापस नहीं आया है। अब ये सुनकर वो हैरान रह गया। उसने कहा जो चचेरी बहन है प्रिया उससे बात करो, उससे पूछो और या फिर गाड़ी वाले से बात करो। पत्नी बताती है कि गाड़ी वाले से मैंने पूछ लिया है, उसने कहा कि मैंने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया। चचेरी बहन प्रिया से पूछा, उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। अब ये सब सुनकर शैलेश अंदर से घबरा जाता है। फौरन वो अपनी फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है और कहता है कि सर मेरे घर पर बड़ी गड़बड़ी हो गई है, बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो फौरन भागकर घर पहुंचता है, फिर अपनी पत्नी से सारी बात पूछता है और जब उसे सारी बात पता चलती है उसके बाद वो एक सीन अपने माइंड में रिक्रिएट करता है क्योंकि 16 मई के दिन सुबह शैलेश के माता पिता यानी बच्चे के दादा और दादी उसे छोड़ने के लिए स्कूल बस पर गए थे। अब स्कूल बस पर जब वो चला गया तो दादा दादी घर वापस लौट आए। दादा दादी से एक बार फिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो स्कूल बस में चढ़ाया, बाकायदा कंडक्टर बाहर आया, बस का ड्राइवर भी वहां पर मौजूद था, बच्चे कई मौजूद थे। तो अब इस बात से तो शैलेश आश्वस्त था कि बच्चा स्कूल बस में चढ़ा था। अब उसके बाद शैलेश ने सबसे पहले स्कूल बस के कंडक्टर और ड्राइवर को पकड़ा, उनके पास गया, उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास बच्चा जरूर आया था, हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया, आप चाहो तो जाकर स्कूल के सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हो। अब शैलेश फोन करता है स्कूल की प्रिंसिपल वीना को। वीना झा को जब फोन किया जाता है तो प्रिंसिपल साहिबा फोन पर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहती हैं कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, इसी बात को कहने के लिए मैं आज आपको फोन भी करवाने लगी थी पर तभी दिमाग से निकल गया। अब ये बात जब शैलेश सुनता है तो वो और हैरान रह जाता है। अब फौरन शैलेश, उसकी पत्नी, बच्चे के दादा दादी यानी शैलेश के माता पिता और कुछ रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग सभी के सभी स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। अब स्कूल में पहुंचे तो प्रिंसिपल से एक बार फिर से उन्होंने गुहार लगाई कि मैडम हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, कृपया मदद कीजिए और आपके स्कूल के जो बस का ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो कह रहे हैं कि हमने बच्चा स्कूल में छोड़ा है और आप कह रहे हैं कि बच्चा आया नहीं है। तो प्रिंसिपल कहती है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, आपका बच्चा स्कूल में नहीं आया। अब शैलेश, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों को ये बात समझ नहीं आती, हजब नहीं होती, वो सीधा पहुंच जाते हैं पुलिस के पास, नजदीकी पुलिस थाने में। SHO ब्रिज किशोर से बातचीत होती है रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक। उन्हें पूरी कहानी बताई जाती है कि किस तरह से बच्चा सुबह 7 बजे घर से निकला, दादा दादी छोड़ने गए, उसके बाद बच्चे का कोई अता पता नहीं है और हम
प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं तो उनका कहना है कि बच्चा स्कूल नहीं आया। ड्राइवर कंडक्टर कह रहा है कि बच्चे को हम स्कूल छोड़कर आए हैं, आप सर हमारी मदद कीजिए। अब जब SHO साहब ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्हें भी शक होता है, कोई ना कोई गड़बड़ी तो जरूर है। अब पुलिस माता पिता के साथ स्कूल की ओर रवाना हो जाती है और स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से वही सवाल किया जाता है कि मैडम बच्चा कहाँ गया। पर सबसे पहले पुलिस कहती है कि हमें CCTV फुटेज दिखाइए, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। अब CCTV फुटेज चेक होने लगती है। CCTV फुटेज में बच्चा साफ तौर पर दिख रहा है कि वो स्कूल में आया है, अंदर एंटर हुआ है, अपनी नर्सरी क्लास की क्लासेस लगा रहा है और उसके बाद 11:49 पर वो फुटेज 11 मिनट की गायब हो जाती है और 12:01 से फिर स्कूल की फुटेज दिखने लग जाती है। अब ये जो 10, 11, 12 मिनट की फुटेज गायब हुई थी उसके बाद बच्चा दिखाई नहीं देता। अब पुलिस हैरान रह जाती है, पूरे स्कूल में चेकिंग की जाती है, कुछ पता नहीं चलता। बच्चे की माँ भी लगातार स्कूल में जगह जगह अपने बच्चे को ढूंढ रही है। आखिरी बार CCTV फुटेज में बच्चा प्ले क्लास में देखा गया था। अब प्ले रूम में जब सारे पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था। अब जो बच्चे की माँ है, जो शैलेश की पत्नी है, वो देखती है कि एक चटाई बिछी हुई है। चटाई को हटाकर देखती है तो नीचे एक गटर का ढक्कन है। वो गटर के ढक्कन को खोलने की जिद करती है। स्कूल की प्रिंसिपल और स्टाफ वहां पर मना करता है, पर जिद करने पर और पुलिस के कहने पर उस ढक्कन को खोला जाता है। अब उस ढक्कन को जब खोला गया तो ऊपर से एक बोरी निकली, एक और छोटी सी शीट निकली और उसके नीचे जो निकला वो देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि उसके नीचे उनका बच्चा पानी में तैर रहा था, जो कि बिल्कुल बेसुध अंदर पड़ा हुआ था। अब जैसे ही ये नजारा, ये तस्वीर देखी, सभी हैरान परेशान रह गए। जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने वहां पर बताया कि ये बच्चा तो 15 घंटे पहले ही गुजर चुका है। अब जब बच्चे के माँ बाप के कानों में ये बात पड़ी तो घर में शोक का माहौल पैदा हो गया, रोने फफकने की आवाजें आने लगी। अब इसी के साथ फौरन पुलिस और बच्चे के माता पिता, रिश्तेदार सभी पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल से सच पूछा जाता है कि आखिर सच क्या है, आप शुरुआत में कह रही थी कि बच्चा स्कूल ही नहीं आया, उसके बाद जब CCTV फुटेज चेक की गई तो बच्चा स्कूल में खेल रहा है, 10 मिनट की फुटेज गायब है और बच्चा गटर में मिला है, मृत मिला है, अब आप सच बताइए कि आखिर सच क्या है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक प्रिंसिपल वीना झा ने पुलिस को यह बताया कि दरअसल बच्चा प्ले रूम में खेल रहा था, तभी वो अचानक से स्लाइडर से फिसल गया, वो नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो उसके सिर पर गहरी चोट लगी, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई कि उसे देखकर हम और हमारा स्टाफ डर गए। इसलिए किसी भी तरह की बदनामी से बचने के लिए सबसे पहले जो ब्लीडिंग हुई थी, जो फ्लोर पर खून गिरा हुआ था, उसे पहुंचा गया और बच्चे को एक प्लान के मुताबिक गटर में डाल दिया गया ताकि किसी को कानो कान कोई खबर ना हो। अब इस पूरे षड्यंत्र में रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक प्रिंसिपल वीना झा और स्कूल के संचालक और इसके साथ ही एक टीचर मनीष शामिल है। अब जो बच्चे का चाचा है निशांत, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उसका कहना है कि वो 8400 रुपए जो बच्चे की स्कूल फीस थी वो जमा नहीं कर पाए थे और जब वो फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और हमें ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा ये हमें अंदाजा भी नहीं था, शायद हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इस स्कूल के पास ना भेजते। अब दूसरी तरफ रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जो इस बच्चे की बहन है प्रिया, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती थी, वो भी छोटी बच्ची है, उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि मैंने अपने भाई को गटर में डालते हुए देखा था, अपनी आंखों से देखा था, मेरे सामने स्कूल की प्रिंसिपल, संचालक, टीचर वहां पर मौजूद थे, वो मेरे भाई को गटर में डाल रहे थे, उसके बाद उसको गटर में फेंकने के बाद एक लकड़ी का पटरा ऊपर से रखा गया और फिर एक प्लास्टिक का बोरा ऊपर से रखा गया ताकि किसी को पता ना चल सके, फिर गटर के ढक्कन को बंद किया गया और ऊपर से चटाई रख दी गई, सभी को बाहर निकाला गया और इसके साथ ही मेन दरवाजा जो है बंद कर दिया गया। अब जब मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैं ये बात अपने घर जाकर बताऊंगी, सभी को बताऊंगी, तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा क्या हश्र होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। जिसे सुनने के बाद उसकी बहन डर गई और उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। अब फिलहाल पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल वीना झा,
संचालक धनराज झा जो कि वीना झा के बेटे ही हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया। जो टीचर है जो इस पूरी हत्या में कथित तौर पर शामिल था मनीष, वो हालांकि शुरुआत में वहां से भाग निकला और जो बाकी स्टाफ भी था वो डर के मारे स्कूल से भाग निकला। अब पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 120B, 202 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब जो एस्पायरेंट्स पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर इस तरह का कोई केस आपके सामने आ जाता है तो उस स्थिति में आप कौन कौन सी धाराएं लगाएंगे, तो ऐसे केसेस ये समझने में काफी हेल्प करते हैं। अब धारा 302 जो है वो कत्ल के लिए लगाई जाती है, इसमें सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा दोषी को दी जाती है और साथ में जुर्माना भी माननीय अदालत द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी धारा जो आईपीसी की धारा 120B है, उसमें जो भी अपराध में पार्टी होगा, जिस भी अपराध में उम्र कैद, सजाए मौत या 2 साल से अधिक की सजा, रिगरस पनिशमेंट मिलती है, तो उसमें अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी है तो उसको उतनी ही सजा मिलेगी जैसे कि उसी ने वो क्राइम कमिट किया हो। ये है आईपीसी की धारा 120B। अगली है आईपीसी की धारा 202, सूचना देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा अगर अपराध की सूचना देने में जानबूझकर चूक की जाती है तो इस धारा के तहत सजा दी जाती है। कम से कम इस धारा के तहत 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर रिपोर्टेड फैक्ट्स पर यकीन करें, प्रिंसिपल को पता चल गया था कि बच्चा ऐसे घायल हो गया है या वो मर गया है, तो उसे सबसे पहले घर वालों को जानकारी देनी चाहिए थी, पर उसके बजाय उसने कुछ और ऐसा किया जिसे सुनकर शायद समाज भी शर्मिंदा है। इससे अगली धारा है आईपीसी की धारा 34, जिसमें सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा अगर कोई कार्य, कोई अपराध किया जाता है तो ये धारा लगाई जाती है। ये भी ऐसे ही है कि जैसे इसमें 3 कॉन्स्पिरेटर हैं, 1 मेन कॉन्स्पिरेटर होता है, बाकी के 2 को-कॉन्स्पिरेटर हैं और शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए आईपीसी की धारा 34 लगाई जाती है। अब बहरहाल इस पूरे मामले को देखने के बाद सीख यही मिलती है कि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो आंखें बंद करके अपने काम ना करने लग जाएं, बच्चे पर पूरी नजर रखें, क्योंकि पता नहीं कि कब आपके बच्चे के साथ कोई घटना घटित हो जाए जिस तरह से इस केस में इस बच्चे के साथ हुई है। दूसरी चीज, जो स्कूल के प्रबंधन भी हैं, जो स्कूल में काम करने वाले संचालक हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि वो बच्चे के लिए काफी ज्यादा अच्छा रुख रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अगर कुछ लोग बच्चे के प्रति कटु स्वभाव रखते भी हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि कानून नाम की भी एक चीज होती है। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर हो या किसी और पोस्ट पर बैठा व्यक्ति हो, तो कानून के हाथ एक ना एक दिन उस तक पहुंच जाते हैं और उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता है। जय हिंद।